सात जुलाई 2021 को हुए कैबिनेट रिशफल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या ग्यारह हो गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के साथ अपने पद पर पहले से हैं तो स्मृति जुबेन ईरानी अब केवल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पदभार संभालेंगी इनके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सरोता केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर बनी रहेंगी जिन सात महिला मंत्रियों ने बुधवार को मंत्री पद की शपथ ली वो सभी केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य करेंगी इनमें अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से दो बार लोकसभा सांसद रही हैं और उन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया है इससे पहले वो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य मंत्री के तौर पर संभाल चुकी हैं अगली मंत्री हैं शोभा करंदलाजे कर्नाटक के उडुपी चिकमंगलूर से दो बार सांसद रही हैं और एक बार विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य भी रह चुकी हैं कर्नाटक सरकार में उन्होंने अलग अलग पदभार संभाले हैं और अब उन्हें केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया है इसी तरह दर्शना जरदोश सूरत से तीन बार सांसद रही हैं और अब राज्य मंत्री के तौर पर कपड़ा एवं रेल मंत्रालय का पदभार संभालेंगी नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी को आप टीवी डिबेट्स में सुनते रहे होंगे अब वो संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय राज्य मंत्री के तौर पर संभालेंगी मीनाक्षी लेखी पेशे से सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं अगली मंत्री अन्नपूर्णा देवी झारखंड के कोडरमा से सांसद हैं और चार बार विधानसभा की सदस्य रही हैं उन्हें शिक्षा मंत्रालय राज्य मंत्री के तौर पर सौंपा गया है प्रतिमा भौमिक त्रिपुरा वेस्ट से सांसद हैं और इन्हें राज्य मंत्री के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एवं एम्पावरमेंट सौंपी गई है और अंतिम महिला सांसद जिन्होंने कल महिला मंत्री के तौर पर शपथ ली उनका नाम है डॉक्टर भारती पवार डॉक्टर भारती पवार महाराष्ट्र के डेंडोरी से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंची और उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री के तौर पर सौंपा गया है इस तरह देखें तो मोदी कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला कई पीएचडी होल्डर्स इंजीनियर्स और सिविल सेवक कैबिनेट विस्तार में शामिल किए गए अगर कुछ बड़े मंत्रालय और मंत्रियों की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय अब धर्मेंद्र प्रधान संभालेंगे और इसके साथ वे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भी होंगे वहीं सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह जहाजरानी एवं आयुष मंत्री का पदभार संभालेंगे गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री होंगे तो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को वही मंत्रालय दिया गया है जो कभी उनके पिता ने संभाला था नागरिक उड्डयन मंत्रालय पूर्व सिविल सेवक अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री होंगे तो किरण रिजिजू देश के नए कानून और न्याय मंत्री कहलाएंगे कोविड के दौर में प्रमुख मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो मनसुख मंडाविया को सौंपा गया है तो संगठन के अनुभवी कार्यकर्ता रहे भूपेंद्र यादव देश के नए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री होंगे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और युवा मामले खेल के मंत्री होंगे अनुराग सिंह ठाकुर इन सब के अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास रहेगा और नवगठित सहकारिता मंत्रालय अमित शाह संभालेंगे तो ये थी जानकारी कैबिनेट विस्तार के बारे में आप इस नए कैबिनेट विस्तार के बारे में क्या सोचते हैं इस रिशफल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा